यदि आप एक प्रोफेशनल हो या फिर एक स्टूडेंट हो या फिर आप अपने कॉलेज फेस में और अपने लिए एक बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 ढूंढ रहे हैं तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000। इसके साथ ही यदि आप हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर हमारे चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूं। चाहे बात हो एक बेस्ट मल्टीटास्किंग लैपटॉप या फिर एक बेस्ट और एक लेटेस्ट लैपटॉप लेना, और साथ ही यदि आप वीडियोग्राफी करते हैं या फिर फोटोग्राफी के लिए एक ऐसी लैपटॉप ढूंढे जिसमें आपको एक बेहतरीन एडिटिंग एक्सपीरियंस भी देखने को मिल जाए, तो ऐसे में आपको कौन सी लैपटॉप लेनी चाहिए और वो भी अंडर 50,000। तो दोस्तों वरी नोट, आज के इस लिस्ट में मैंने आपके लिए 5 ऐसे बेस्ट लैपटॉप इंक्लूड किया हर एक यूजर्स के लिए जिसमें आपको तरह तरह के लैपटॉप्स के साथ ही तरह तरह के नए फीचर्स भी देखने को मिलने वाली है। तो कौन सी हो सारी लैपटॉप आगे जानेंगे इसी वीडियो में, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज के दिन में और वो भी खास करके 2022 में आप 1,000 बजट में एक लैपटॉप ले रहे हैं तो आपको कौन सी स्पेसिफिकेशन को देखते हुए उस लैपटॉप को पिक करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें डिस्प्ले की, तो उस लैपटॉप में आपको मिनिमम 15.6 इंच की फुल HD रेजुलेशन वाली डिस्प्ले देखने को मिले। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो ऐसे में हमें दो तरह के प्रोसेसर देखने को मिल जाती है। सबसे पहले प्रोसेसर की बात करें तो ऐसे में हमें इंटेल कोर i5 10th gen प्रोसेसर मिनिमम तो लेनी चाहिए आज के दिन में, और वहीं पे अच्छी बात है कि आपके लिए मैंने कुछ ऐसे भी लैपटॉप इंक्लूड किए जिसमें आपको इंटेल i5 11th gen प्रोसेसर भी देखने को मिलने वाली है। और दूसरी तरफ हमें AMD Ryzen प्रोसेसर देखने को मिल जाती है, और AMD वाली लैपटॉप लेना पसंद करते तो उसमें आपको मिनिमम AMD Ryzen 5 प्रोसेसर देखने को मिले। और वहीं पे पोर्ट्स की बात करें तो इन सारे लैपटॉप में आपको ऑलमोस्ट सारे पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि हमें नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखने को मिलती है। तो दोस्तों आपके इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के लिस्ट में मैंने टॉप 5 ऐसे बेस्ट लैपटॉप इंक्लूड किए जो कि सारे एक बेस्ट लैपटॉप निकल कर आने वाले आप सभी यूजर्स के लिए डिपेंडिंग आपके किस तरह के यूजेस हैं। इसके साथ ही हम ये भी जाने आपके नीड्स और आपके रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए आपको कौन सी लैपटॉप लेनी चाहिए इन पांचों में से। और आज का हमारे लिस्ट की सबसे पहली लैपटॉप निकल कर आते हैं लिनोवो की तरफ से आने वाले लिनोवो आइडियापैड 3 लैपटॉप। और इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की बात करें तो यह लैपटॉप आती है 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले, AMD Ryzen 5 प्रोसेसर, 8GB की रैम, और अच्छी बात है कि इस लैपटॉप की रैम को आप अपग्रेड कर सकते हैं अप टू 12GB रैम तक। तो ये एक अच्छी बात निकल कर आ जाती है जिससे आप इन फ्यूचर रैम को अपग्रेड कर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस पा सकेंगे। इसके अलावा इस लैपटॉप में 512GB की फास्ट SSD स्टोरेज। और ग्राफिक्स की बात करें तो इस लैपटॉप में हमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलती है। बात करें बैटरी बैकअप की तो इस लैपटॉप में आपको 6 से 7 घंटे की बैटरी बैकअप देखने को मिल जाती है ऑन अ सिंगल चार्ज। और इस लैपटॉप में आपको रैपिड चार्ज टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है जिससे कंपनी दावा करती है इस चार्जर के जरिए आप 0 to 80% सिर्फ 1 घंटे में ही कर सकेंगे चार्ज। फिजिकल USB पोर्ट्स की बात करें तो इस लैपटॉप में टोटल 3 USB पोर्ट्स देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इस लैपटॉप में 2 अच्छी चीजें देखने को मिल जाती है। सबसे पहले कि इस लैपटॉप में आपको बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिल जाती है जिससे आप अंधेरे में भी बैकलिट कीबोर्ड को ऑन करके लैपटॉप को यूज कर पाएंगे। और वहीं पे यदि आप प्रोफेशनल हो या फिर ज्यादातर काम अपने लैपटॉप में करना पसंद करते हैं तो ऐसे में बैकलिट कीबोर्ड होना आपके लिए काफी ज्यादा मायने रखती है। और साथ ही में HD वेबकैम भी देखने को मिल जाती है इस लैपटॉप में, और वो भी प्राइवेसी सेटर के साथ। तो आइए दोस्तों जानते हैं ये लैपटॉप आपको क्यों खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों यदि आप एक बेस लैपटॉप अंडर 50,000 ढूंढ रहे थे जिसमें आपको एक अच्छी डिजाइन देखने को मिल जाए और साथ में एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ ही, इसके साथ ही यदि आप एक प्रोफेशनल हो और अपने लिए एक बेस्ट प्रोफेशनल लैपटॉप अंडर 50,000 ढूंढ रहे थे जिसमें आपके मीटिंग्स भी अटेंड हो जाए और साथ में उसमें आपको प्राइवेसी सेटर भी देखने को मिल जाए कैमरा में, तो ये लैपटॉप आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है। और इस लैपटॉप की कमी के बारे में बात करें, इस लैपटॉप में हमें एज सच कोई बड़ी कमी नहीं देखने को मिलती है। इसके साथ ही इस लैपटॉप की लेटेस्ट प्राइस की जानकारी के लिए वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को जरूर चेक करें। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप एक स्लिम और एक लाइटवेट लैपटॉप अंडर 80,000 ढूंढ रहे थे तो ये वाली वीडियो भी आप जरूर चेक करें। और इस लैपटॉप की लेटेस्ट प्राइस की जानकारी के लिए वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेक करें। आज का हमारे लिस्ट की दूसरी लैपटॉप निकल कर आती है ASUS की तरफ से आने वाली ASUS VivoBook 15। और इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की बात करें तो यह लैपटॉप आते हैं 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले, इंटेल कोर i5 10th जन प्रोसेसर, और साथ ही में इस लैपटॉप में हमें 8GB रैम देखने को मिल जाती है जिससे आप अपग्रेड कर सकते हैं अप टू 12GB तक। और दोस्तों अच्छी बात है कि इस लैपटॉप में आपको 32GB की ऑप्टेन मेमोरी देखने को मिल जाती है। और एक लैपटॉप में ऑप्टेन मेमोरी होने से आपके लैपटॉप में काफी ज्यादा एक स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाती है किसी भी एप्स या फिर सॉफ्टवेयर को रन करते टाइम। वहीं पर स्टोरेज की बात करें तो यह लैपटॉप आती है 512GB की फास्ट SSD स्टोरेज के साथ। और अच्छी बात है कि इस लैपटॉप में आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है एक अलग से। इसके साथ ही इस लैपटॉप में हमें इंटेल की तरफ से आने वाले इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स और 6 घंटे की बैटरी बैकअप देखने को मिल जाती है। फिजिकल USB पोर्ट्स की बात करें तो इस लैपटॉप में हमें टोटल 4 USB पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं जिसमें से एक हमें USB 3.2 टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाते हैं जिससे आप काफी जल्दी और काफी फास्ट डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं लैपटॉप आपको क्यों खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों यदि आप एक बेस्ट मल्टीटास्किंग लैपटॉप अंडर 50,000
सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे और साथ ही उस लैपटॉप में आपको मेटल बॉडी डिजाइन देखने को मिले। तो ये Asus की तरफ से आने वाले Asus VivoBook 15 लैपटॉप आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है, और खास करके यदि आप मल्टीटास्किंग ज्यादा करना पसंद करते हैं और अपने लिए एक बेस्ट मल्टीटास्किंग लैपटॉप अंडर 50,000 ढूंढ रहे थे, तो ये Asus VivoBook 15 आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन तो निकल कर आती है। क्योंकि सबसे पहली बात, इस लैपटॉप में आपको अप टू 12 GB तक रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन देखने को मिलती है, और साथ ही में इस लैपटॉप में आपको 32 GB ऑप्टेन मेमोरी होने से काफी जल्दी क्विक रिस्पॉन्स देखने को मिल जाती है किसी भी ऐप या फिर सॉफ्टवेयर को लॉन्च करते टाइम, तो एक बढ़िया बात तो बनी जाती है। और साथ ही में इस लैपटॉप में आपको एक अलग से स्टोरेज एक्सपेंशन स्लॉट भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक बढ़िया बात निकल कर आ जाती है। यदि आप इन फ्यूचर स्टोरेज को एक्सपेंड करना पसंद करते तो इसमें आप एक अलग से स्टोरेज को इक्विप करके लैपटॉप की स्टोरेज को बढ़ा भी सकते, तो ये भी एक प्लस पॉइंट निकल कर आ जाती है इस लैपटॉप के बारे में। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप एक बेस्ट गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे थे तो ये वाली वीडियो भी आप जरूर चेक करें। और आज के हमारे लिस्ट की तीसरी लैपटॉप निकल कर आती है Redmi Book 15 Pro, और इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की बात करें तो यह लैपटॉप आती है 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले के साथ। और दोस्तों, अच्छी बात है कि इस लैपटॉप में आपको इंटेल की तरफ से आने वाली लेटेस्ट कोर i5 11th जेन प्रोसेसर देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही इस लैपटॉप में हमें 8GB रैम, 512GB की फास्ट SSD स्टोरेज, और अच्छी बात है कि इस लैपटॉप में आपको इंटेल की लेटेस्ट Iris Xe इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाती है, तो ये भी एक अच्छी बात निकल कर आ जाती है यदि आप छोटी मोटी वीडियो एडिटिंग करना पसंद करते हैं अपने लैपटॉप में। वहीं पे बात करें बैटरी की, तो इस लैपटॉप में हमें 10 घंटे की बैटरी बैकअप देखने को मिल जाती है, और कंपनी दावा करते हैं इस लैपटॉप के चार्जर के जरिए आप 0-50% सिर्फ 33 मिनट में कर सकेंगे चार्ज। इसके साथ ही इस लैपटॉप में टोटल 3 USB पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, और इस लैपटॉप में किसी भी तरह के टाइप सी पोर्ट नहीं देखने को मिलती है। और आइए दोस्तों, जानते हैं लैपटॉप आपको क्यों खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि एक बेस्ट और एक लेटेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 ढूंढ रहे थे जिसमें आपको लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ एक लेटेस्ट डिजाइन भी देखने को मिल जाए, तो ये Redmi Book 15 Pro आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है। सबसे पहली बात, तो इस लैपटॉप में आपको एक काफी ज्यादा एक यूनिक डिजाइन देखने को मिल जाती है, और खास करके लैपटॉप काफी ज्यादा लाइट वेट भी निकल कर आती है। और यदि आप ऑनलाइन क्लासेस या फिर मीटिंग्स अटेंड करते हैं तो इस लैपटॉप में HD वेबकैम होने के चलते आपको काफी ज्यादा एक अच्छी क्लैरिटी भी देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आपका बजट थोड़ा कम है और आप एक बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000 ढूंढ रहे थे तो ये वाली वीडियो भी आप जरूर चेक करें। इस लैपटॉप की कमी के बारे में बात करें तो इस लैपटॉप में हमें सिर्फ USB टाइप सी पोर्ट नहीं देखने को मिलती है, इसके अलावा ये लैपटॉप काफी ज्यादा एक अच्छी लैपटॉप निकल कर आती है इस प्राइस रेंज को कंसीडर करते हुए। और वहीं पे हमारे आज के लिस्ट की चौथी लैपटॉप निकल कर आती है Acer की तरफ से आने वाली Acer Aspire 5 लैपटॉप। इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की बात करें तो यह लैपटॉप आती है 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले के साथ। बात करें प्रोसेसर की, तो इस लैपटॉप में हमें AMD Ryzen 5 प्रोसेसर देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अब बात करें रैम की, तो इस लैपटॉप में आपको 8GB रैम देखने को मिल जाती है, और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि इस लैपटॉप की रैम को आप अपग्रेड कर सकते हैं अप टू 24GB तक। तो हमने आज के लिस्ट में अभी तक 12GB तक देखे थे, और इस लैपटॉप में आपको 24GB तक रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाती है, यानी कि लैपटॉप काफी ज्यादा एक अच्छी और एक फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप भी निकल कर आती है खास करके मल्टीटास्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करें स्टोरेज की, इस लैपटॉप में 512GB SSD स्टोरेज के साथ ही अप टू 2TB तक HDD स्टोरेज एक्सपेंशन स्लॉट देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही इस लैपटॉप में भी आपको AMD की तरफ से आने वाले इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलती है, 6 घंटे की बैटरी बैकअप, और साथ ही में इस लैपटॉप में आपको टोटल 3 USB पोर्ट देखने को मिल जाते हैं जिसमें से एक टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिलती है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं लैपटॉप आपको क्यों खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप एक बेस्ट ऑफ बेस्ट मल्टीटास्किंग लैपटॉप अंडर 50,000 ढूंढ रहे थे और साथ ही में उस लैपटॉप में आपको एक बड़ी स्टोरेज एक्सपेंशन स्लॉट देखने को मिल जाए, तो ये Acer की तरफ से आने वाली Acer Aspire 5 लैपटॉप आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल कर आती है। सबसे पहली बात, मल्टीटास्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस लैपटॉप की रैम को आप 24GB तक अपग्रेड कर सकते हैं, और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको अलग से अप टू 2TB तक HDD स्टोरेज एक्सपेंशन स्लॉट देखने को मिल जाती है। और ऐसे में देखा जाए तो लॉन्ग रन के लिए एक काफी ज्यादा एक फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप निकल कर आती है। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आपने हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें बात की बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 70,000, तो इसे भी आप जरूर चेक करें। और इस लैपटॉप की लेटेस्ट प्राइस की जानकारी के लिए वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेक करें। और दोस्तों, आज का हमारे लिस्ट की आखिरी लैपटॉप निकल कर आती है MI की तरफ से आने वाले MI नोटबुक होराइजन एडिशन 14 लैपटॉप। और इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की बात करें तो यह लैपटॉप आते हैं 14 इंच की फुल HD डिस्प्ले के साथ। और अच्छी बात है कि इस लैपटॉप में आपको कोर i5 नहीं बल्कि इस लैपटॉप में आपको कोर i7 10th जेन प्रोसेसर देखने को मिलती है, तो यह काफी ज्यादा एक अच्छी बात निकल कर आ जाती है कि आपको इस प्राइस रेंज में i7 प्रोसेसर देखने को मिल जा रही है। वहीं पर बात करें रैम और स्टोरेज की, तो इस लैपटॉप में आपको 8GB रैम और साथ ही में 512GB की फास्ट SSD स्टोरेज देखने को मिलती है। ग्राफिक्स की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको NVIDIA की तरफ से आने वाली MX 352GB ग्राफिक्स देखने को मिलती है, और ये काफी ज्यादा एक अच्छी डील निकल कर आ जाती है
जाती है यदि आप वीडियो एडिटिंग या फिर एडोब फोटोशॉप अपने लैपटॉप में यूज करते हैं तो। वहीं पे बात करें बैटरी की, तो इस लैपटॉप में आपको 6 से 7 घंटे की ऑन एन एवरेज बैटरी बैकअप देखने को मिलती है। पोर्ट्स की बात करें तो इस लैपटॉप में आपको टोटल 3 यूएसबी पोर्ट्स देखने को मिल जाती है, जिसमें से एक आपको टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिलती है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं लैपटॉप आपको क्यों खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों यदि आप एक बेस्ट वीडियो एडिटिंग लैपटॉप अंडर 50,000 ढूंढ रहे थे और साथ ही में यदि आप एक बेस्ट लाइटवेट लैपटॉप अंडर 50,000 ढूंढ रहे थे तो ये लैपटॉप सिर्फ 1.35 kg निकल कर आती है। तो इस प्राइस रेंज में ये काफी ज्यादा लाइटवेट निकल कर आती है। तो दोस्तों यदि आप वीडियो एडिटिंग करना पसंद करते हैं या फिर फोटो एडिटिंग और साथ ही में यदि आप एक बेस्ट लाइटवेट लैपटॉप अंडर 50,000 ढूंढ रहे थे तो ये MI नोटबुक होराइजन एडिशन 14 लैपटॉप आपके लिए सबसे पहले और सबसे अच्छी डील निकल कर आती है इस प्राइस रेंज को कंसीडर करते हुए। और इस लैपटॉप की कमी के बारे में बात करें तो इस लैपटॉप में आपको इनबिल्ट वेबकैम नहीं देखने को मिलती है। और यदि आप ये लैपटॉप खरीदते हैं तो इसके साथ ही आपको डिटैचेबल HD वेबकैम देखने को मिलती है बॉक्स के अंदर ही। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप एक बेस्ट वीडियो एडिटिंग लैपटॉप ढूंढ रहे थे तो ये वाली वीडियो भी आप जरूर चेक करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना, मिलता है आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। यदि आपकी कोई राय विचार है, सुझाव है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, वीडियो के नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर हमारे चैनल से जुड़ जाएं।